हेलो गेमर्स एंड वेलकम वंस अगेन टू बड़ी बीएस गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो अगर तुमने अभी तक लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसको देखो। मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो और जाके देखो। तो अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो जल्दी से 300 करवा दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं उसके। तो चलो यार, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था इस गेम में, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग गया मेरे को ये वीडियो लाने। ओके, डोटो है, ठीक है, ये वीडियो लाने के लिए। तो देखो, यस, यहाँ पे देख रहे हो तुम कितने सारे रैप्टर्स हैं। यस, मैंने इन दो, मतलब जो मेरे पास मेल और फीमेल थे, उनको थोड़ा ब्रीड करवाया मैंने, और ये तीन चार बच्चे पैदा हुए उनसे। तो मैं इनका पैक बना रहा था, ठीक है। तो पैक से क्या होता है कि एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है जो पैक का लीडर होता है, जो कि ये है, 47 लेवल वाला है ये। ये 47 लेवल वाला मेरा जो रैप्टर है, इसको एक एबिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है। तो ये लोग पैक में काफ़ी ज़्यादा मस्त हंट करते हैं, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, इनका लेवल बहुत कम है, ठीक है। ये वाला 47 है, बाकी तो और क्रैप है। ये 21 लेवल है, 25 लेवल है, एक 33 लेवल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेकार लेवल है। तो मैंने सोचा है कि इनको हम रिप्लेस करेंगे, और इनको रिप्लेसमेंट करने के लिए मैंने खोज लिया है, कई चीज़ें खोजी है मैंने। या तो हम इनको रिप्लेस करेंगे एक सेबर टूथ कैट से, या फिर हम रिप्लेस करेंगे इनको वुल्फ से, ठीक है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और दोनों ही पैक एनिमल्स हैं। पैक का मतलब कि ये लोग ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में इनको एक बूस्ट मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और तुम देख सकते हो, जैसा कि मैंने अपने पैरासोर्स को वहाँ बिठा रखा है, क्योंकि ये आराम से यहाँ पे अंडा गिराते रहती है, और मैं इसको आराम से कलेक्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है, और इसमें काफ़ी बेकार अंडे भी होते हैं, और फर्टिलाइज अंडे भी होते हैं, और अनफर्टिलाइज अंडे भी होते हैं। तो ओके ओके, मेरी जो फीमेल वाली अर्जेंट एविस है ना, वो भी अंडे दे रही है, ठीक है। तो एक बार मैं जाके देख लेता हूँ उसके अंडे तो मतलब वैसे ही होंगे, क्या कहते हैं, इसके अंडे तो अनफर्टिलाइज ही होंगे, क्योंकि मेट नहीं करवा रहा मैं इसको अभी। इसको भी मेट करवा रहा था, पर मैंने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि नहीं चाहिए यार मुझे अभी अर्जेंट एवियस के अंडे, क्योंकि पता नहीं यार क्या हो रहा है, वो टू कोल्ड दिखा रहा है बस। मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा ली भाई, टू हॉट दिखाता है भाई, टू कोल्ड चाहिए। उसके लिए मुझे एसी खोलना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल है अभी मेरे पास, लेकिन मेरे पास फैब्रिकेटर फैब्रिकेटर सब बनाना पड़ेगा मेरे को। फैब्रिकेटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बनाना, पता नहीं कैसे बनता है, तो अभी वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अर्जेंट इवेस की मीटिंग हम नहीं करवा पाएंगे, जो कि अभी बहुत हार्ड है वो। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अंडे और रख रखे हैं, देख लेते हैं इसको। और तुम जैसा कि देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ख़राब भी अंडे हैं, मतलब ये वाले जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ना तुमको, ये फर्टिलाइज एग हैं, ठीक है। इनमें से बच्चे निकल सकते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये अनफर्टिलाइज एग है, इनमें से बच्चे नहीं निकल सकते, ठीक है। तो मैं पैरासोर के एग जुटा रहा था, ठीक है, लेकिन अब टाइम हो चुका है कि इनको बाहर निकाला जाए और इनको मारा जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं ये फार्म क्यों बना रहा हूँ, मैं ये फार्म बना रहा हूँ एक्सपी के लिए, और मुझे चाहिए एक्सपी। तो अगर ये लोग हैच नहीं होंगे तो एक्सपी कैसे मिलेगी, ठीक है। ओके, तो मैंने ये फीडिंग ट्रैप बनाया था, क्योंकि फीडिंग ट्रैप से क्या होता है ना कि इसमें मैंने बहुत सारे फूड डाल दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो लोग खा पाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरासोर के एग हैच करवाए, पर सब बच्चे मर जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने ये फूड ट्रफ लगाया, ठीक है, ताकि वो खा पाए, शायद वो भूख से ही मर जाते थे। ओके, आग लगा ली है मैंने, और यहाँ पे जल्दी से अपने अपने सारे अंडे फेंक देते हैं, ठीक है, अपने नहीं मतलब पैरासोर के सारे अंडे फेंक देते हैं। और भाई साहब देखो, पूरी बारात लग जाएगी यहाँ पे, और शायद 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 हमको मिल जाए बहुत सारे पैरासोर के बच्चे। ओके, ये हो रहा है कि नहीं, ओके, टू कोल्ड दे रहा है यहाँ पे, तो ओके शायद एक और जलाना पड़ेगा हमको। ये वाला जला दूँ, हो जाएगा फिर। यस, इनक्यूबेटिंग, ओके नाइस। ये वाला, ये भी इनक्यूबेट कर रहा है, ओके। तो ये इनक्यूबेट हो जाएंगे कुछ देर में, इनको कितना टाइम लगेगा, ओके मैंने इनका टाइम बढ़ा दिया था, तो 1-1.5 मिनट लगेगा इनको इनक्यूबेट होने में। तो ये वाला गेट बंद कर देते हैं, तो चल के देख लेते हैं, शायद अब अपने अंडे हैच हो गए होंगे। ओके नाइस, बहुत सारे यहाँ पे पैरासोर हैं, पैरासोर के बच्चे हैं। तो क्या मैं इनको बढ़ने दूं, या फिर मैं इम्प्रिंट नहीं करूंगा, क्योंकि इम्प्रिंट करूंगा तो फिर ये मेरे हो जाएंगे। ओके, इसको बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ये भागने ना लगे। ओके, ये इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि सब हैच हो चुके हैं, तो फ्यूल बर्बाद नहीं करना चाहिए हमको। ओके, तो क्या मैं इनको अभी मारूँ या फिर थोड़ी देर बाद मारूँ, क्योंकि इसमें खाना तो है, और ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा शायद, आई थिंक। तो मैं इनको अभी के लिए छोड़ देता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर आके देखेंगे हम लोग की क्या क्या हमको करना है, ठीक है। ओके, तब तक मैं तुमको इसका इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं देखो इनको कैसे यूज़ करता हूँ।
मैं इसको एक को फॉलो करवाता हूँ और ये जो चारों है ना इसको फॉलो करते हैं, तो एक तरह से ये लीडर बन जाता है उनका। तो मैं ऐसे जाता हूँ कहीं भी, ठीक है, तो ये मेरे को फॉलो करते हैं, ये वाला मेरे को फॉलो करता है और ये वो लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है, एक टीम की तरह हम काम करते हैं यहाँ पे, और बड़े से बड़े जानवर को भी शायद हम मार सकते हैं ऐसे करके। लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन कुछ बफ मिल जाते हैं, जैसे कि क्योंकि एक इसमें फीमेल भी है शायद, तो उसका भी बफ मिल जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल जब रहते हैं ना दो जेंडर, तो उसका बफ मिलता है जेंडर बफ, ठीक है। और एक होता है टीम का बफ, तो काफ़ी सही हो जाता है, मतलब डबल बफ हो जाते हैं इनमें, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब डैमेज करते हैं ये लोग उससे, तो काफ़ी सही है। वैसे मैं कुछ कुछ खोजता हूँ, वैसे मैं इस वाले जंगल में नहीं आया अभी तक, तो आई गेस कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, और मैं अर्जेंट डेविस लेके नहीं आया अपनी, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने तुमको बताया नहीं था वैसे कि मैंने ये गन बना ली थी लास्ट वाले एपिसोड में, जैसा कि तुमको पता होगा अगर तुमने एपिसोड देखा होगा तो, और कुछ बुलेट्स बना लिए हैं, जैसे कि 39 बुलेट है अपने पास, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करती है बुलेट। ओके, मुझे अभी तक पता नहीं है कैसे काम करती है। और अभी मुझे अनलॉक करना एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो है ओके ट्रांकोलाइजर डार्ट होता है, ठीक है, तो वो अनलॉक करना है मेरे को, मैं तुमको बाद में दिखा दूंगा वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे क्रॉसबो है ना वो कम डैमेज करती है, ठीक है, तो लेकिन ट्रांकोलाइजर डार्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो काफ़ी सही होता है वो। ओके, इस वाले जंगल में कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, कोई जानवर नहीं दिख रहा एक भी, पता नहीं एकदम खाली खाली है भाई साहब। ओके, ये लोग आ रहे हैं ना मेरे पीछे, कहीं कतई पता चले कि मतलब ये आ ही नहीं रहे, और भाई साहब मुझे कोई पेल जाए, भाई साहब मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। भाई साहब ऐसा ना हो कि टीरेक्स वीरेक्स निकल आए यहाँ पे, भाई साहब ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरी। और हाँ यार, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मतलब मेरे वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा कम डायनासोर मतलब स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत हो रही है मेरे को बहुत कम, क्योंकि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये वाला प्ले थ्रू, तो बहुत ज़्यादा डायनासोर थे जहाँ मैं आसपास रहता हूँ वहाँ पे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। और देख रहे हो यहाँ पे एक भी डायनासोर नहीं है, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ओके आई गेस कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, बहुत कम डायनासोर है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये दो कैसे हो गए, अबे और कहाँ गए, अरे नहीं, और भी होंगे भाई। अच्छा ओके, यही है साथ में, मुझे लगा कि दो ही है बस। ओके, मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी चल के पी लेता हूँ, क्योंकि मैंने ले नहीं रखा अभी तक पानी अपने इन्वेंट्री में, तो देखते हैं। ओके, मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, स्पॉन का मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होता है कैसे होता है। ओके, मुझे यार किल करना है इस बंदूक से किसी को, पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, यहाँ एक पैरासोर है, सो गुड बाय माई फ्रेंडो, मारो उसको। ओ भाई देखो देखो भाई क्या मारते हैं ये लोग, अरे खत्म कर दिया मार मार के उसको, मतलब अगर फर्स्ट वाला अटैक करना शुरू कर देना फिर तो मतलब टूट पड़ते हैं सब लोग। ओके, वहाँ पे एक वो था ना स्पाइनो, वहाँ पे एक स्पाइनो था ना, वो कहाँ चला गया, अरे नहीं। ओके, ये डेराडोन कहाँ बैठी हुई है, अजीब ही है। ओके, वो स्पाइनो कहाँ गया यार, अब ये मत बोलना कि वो मर गया या किसी ने उसको मार दिया, नहीं यार बहुत बुरा हो जाएगा ये तो, मुझे उसको पकड़ना था लिटरली। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया है, मैं लिटरली इससे अटैक करवा सकता हूँ इन पैक से दूर रहते हुए। देखो इस कछुए को मरवाता हूँ मैं, जाओ मारो उसको। ओ भाई, वी कैन लिटरली टेरराइज एवरीथिंग यार, खत्म खलास, देख रहे हो मेरी पावर। ओके, अब मुझे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पता नहीं क्यों, तो काफ़ी अच्छा है, और मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी कूल फीचर लगा। मैं इनको बस बोल सकता हूँ कि जाओ के उसको मारो, और भाई साहब वो टूट पड़ते हैं, देखो भाई ख़त्म कर देंगे, ख़त्म।
खत्म करो भाई, सब पैरासोर को खत्म करो यहाँ पे, मुझे मजा आ रहा है इसको करने में। ओके, एक अंडा दे दिया फीमेल ने, खत्म है भाई, कोई नहीं बचने वाला ऐसे। तुमको पास से भी दिखा देता हूँ, अगर नहीं देख पाओगे तो। ठीक है, एक ने अटैक किया, फिर सब अटैक करते हैं भाई साहब, खत्म खत्म। और डैमेज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पर इतना मतलब तीन चार मिल के डैमेज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, मेरे पीछे आ रहे हैं ये लोग। ओके, तो जल्दी से चल के देख लेते हैं कितने बड़े हुए हैं हमारे पैरासोर के बच्चे। ठीक है, और फिर देखते हैं उनको मारते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमें डस्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, पता नहीं कौन सा डस्ट होता है वो हमको मिलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और एक्सपी भी मिलता है, यस हमको। ओके, तो हम आ चुके हैं। ओके, देख रहे हो क्या हो रहा है, दे ऑल लिटरली डाइड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन। मैं इसी चीज से परेशान हो गया हूँ भाई, ये पता नहीं क्यों मर जाते हैं यार सब। मतलब एक्सपीरियंस अभी भी मिलेगा हमको, पर उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना कि वैसे ये जिंदा रहते तब मिलता। ओके, एक ही बार में सब मैंने हार्वेस्ट कर लिया इनको। ओके, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला है आई थिंक, लेकिन थोड़ा मिला है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम थे ये लोग, तो मुझे और भी ज़्यादा मेट करवाना पड़ेगा। ओए, ये क्या मिला हमको, ओ नाइस, रॉ प्राइम मीट, नाइस नाइस। ठीक है, और हमको मिला 20 इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट डस्ट मिला कुछ, ठीक है, और ऑयल ऑयल काफ़ी मिलता है हमको। ठीक है, और ये भी मिलता है हमको, स्क्रैप मेटल, तो ठीक है, काफ़ी सही है, पर उतना ज़्यादा नहीं मिला, शायद वो बड़े होते ना और तो और ज़्यादा मिलता हमको, पर नो प्रॉब्लम। ठीक है, एटलीस्ट हमको मिल तो रहा है, मतलब ये तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या हमको मिलता है। पर आज के एपिसोड में हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं, मैं लास्ट टाइम तो को याद है उस वाले ऑब्लिस्क पे गया था, ठीक है, यस उसको ऑब्लिस्क कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिस्क पे मैं गया तो था लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, तो यस वी विल गो देयर टुडे एंड एक्सप्लोर, क्योंकि लास्ट टाइम वहाँ पे तुमको जैसे पता होगा कि रैप्टर्स थे वहाँ पे, पूरी रैप्टर्स की फैमिली थी, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो आज चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ओके, वहाँ एक ड्रॉप गिरा है क्या, ओके ड्रॉप भी उठा लेते हैं लगे हाथ। और आज क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त अर्जेंट एविस नहीं थी, और आज अर्जेंट एविस है तो काफ़ी हम मजबूत हैं, और यस वी कैन किल देम ऑल, तो सही है। इसको मुझे फ्रिज में डाल देना चाहिए था आई गेस। अभी मैं जल्दी से प्राइम मीट रख के आता हूँ वहाँ पे। ओके, ये डॉल्फिन है ना। ओके, अगर मेरे पास आज टाइम मिलेगा ना तो इसको आज टेम करने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि आई थिंक इट विल बी फास्टर देन आवर सार्को। आई थिंक मुझे चेक करना है एक बार, मतलब क्या ये काम करती है। वैसे भी हम मतलब सारे टेम करने ही वाले हैं, तो इसको भी टेम करके देखेंगे ही कि क्या मतलब क्या इसके फंक्शंस हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फिश है एक, जो कि पानी की फिश है, तो यस वी विल सी। और इस वाले आइलैंड पे मैं कई बार आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइलोबाइट्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं चिट्टिन के लिए, तो इधर के साइड मिलते हैं मेरे को बहुत सारे ट्राइलोबाइट, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ बार बार। ठीक है, यहाँ पे शायद, अच्छा नहीं मच, हाँ ये ट्राइलोबाइट ही है ना, यस ट्राइलोबाइट है। तो ओके, ये क्या था, ओके छोटे वाले, अबे यार ये क्या है भाई, ये क्या है, क्यों क्यों, वाई वाई डू यू एग्जिस्ट, इवन वाई डू यू एग्जिस्ट, टू डाई है, कोई कोई मरने के लिए क्यों क्यों एग्जिस्ट कर सकता है भाई। ओके, अपनी अर्जेंट एरिस को थोड़ा हील करवा देते हैं, वैसे फुल्ली हील्ड है, तो ये भी काफ़ी सही लगा अर्जेंट एविस का, ये जो बफ होता है ना, डेड बॉडी खाती है तो हील हो जाती है, काफ़ी सही, काफ़ी सही है। ओके, ये एरिया देख लेते हैं एक बार, कोई खतरा वतरा तो नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ है, ओके शायद ये मैंने खोल रखा है, ओके ये खुला हुआ है पहले से ही, तो हमको ये कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना स्टोरी होती है आर्क की। ठीक है, ये जो डब्बे तुमको दिख रहे हैं ना ये वाले, ओके शिट मैन, ये तो शिट है। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, गिरा देता हूँ ताकि यहाँ पे जल्दी से एक और ड्रॉप आ सके। ठीक है, तो यार ये इन कपड़ों का मैं क्या करूँगा भाई, इन कपड़ों का मैं क्या करूँगा। ओके, यहाँ पे एक पैरासोर आ गया पता नहीं कहाँ से। ठीक है, इधर से एक बार होके चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्या कुछ नए जानवर है क्या यहाँ पे। ठीक है, डोडो वोडो ही है, मतलब कोई खास तो है नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ एक रैप्टर की पूरी फैमिली है जो कि लड़ाई कर रही है, तो आई गेस ठीक है छोड़ो यार, एंट है यार, एंट है, एंट भाई बहुत बहुत दिमाग खराब करती है। ओके,
थिराइजोनोसोरस है यहाँ पे, और भी कई चीजें हैं यहाँ पे। ये इगुआना डॉन है शायद। ओके, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हाँ, इगुआना डॉन ही है। यस, वाइट वाइट कलर का है तो काफी सही है। इगुआना डॉन यार बहुत ज्यादा मतलब सही एनिमल होता है, क्योंकि उसके दो मोड होते हैं। ठीक है, तो एक मोड में तो मतलब वो दो पैर पे चलता है, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो चार पैर पे चलता है ना दूसरे मोड में, भाई साहब, हिज स्टैमिना इज इन्फिनिटी। ओके, यू कैन रन इन्फिनिटली एट एनी डिस्टेंस। ठीक है, तो तुम बस उसका स्पीड अपग्रेड करते जाओ, ही विल रन लाइक हेल। ओके, तो वापस से आ चुके हैं हम इस वाली जगह पे, इस वाले ऑब्लिस्क पे, और चल के देख लेते हैं इस बार। ओके, तो यहाँ पे फिर से रैप्टर्स हैं यहाँ पे। ओ, स्टेगोसोरस भी है क्या यहाँ पे? ओके, एक बार यहाँ पे उतर के आराम कर लेते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा यहाँ से नीचे का, देख लेते हैं क्या क्या है। ओ यार, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। ये लेज़र सा कुछ निकल रहा है इसमें से, बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से। ओके, यहाँ एक स्टेगोसोरस है यहाँ पे, और यहाँ एक ड्रॉप भी गिरा हुआ है, तो बेकार ड्रॉप है, इसको नहीं उठाएंगे। तो आई गेस कि हम ओके, वहाँ कुछ हो रहा है। ये क्या चीज़ है? ये बहुत सारी चीज़ें गिर रही हैं वहाँ से। ओके, रैप्टर्स है क्या? आई गेस रैप्टर्स थे जो कि ऊपर से कूद रहे थे, पता नहीं क्यों। ओके, रैप्टर्स ही है ना ये? यस यस, दे आर रैप्टर्स। वो तीन तीन रैप्टर है, पता नहीं क्यों नीचे कूद गए ये लोग वहाँ से। अब मरो। ओके, यहाँ पे एक पैरासोर भी है, पैरासोर के पीछे कर रहे थे वो लोग, ठीक है, और उसके साथ ही कूद गए डफर्स लोग। ओ, यहाँ पे यार बहुत सारे ब्रॉन्टोज हैं। ओ नाइस, पता नहीं मेरे घर के पास जो ब्रॉन्टोज थे वो पता नहीं कहाँ अपने आप डिस्पॉन हो गए, या फिर क्या, पता नहीं डिस्पॉन भी होता है कि नहीं इसमें। तो चलते हैं यहाँ पे और इसको क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रैप्टर्स हैं। यस, कितने रैप्टर्स हैं? तीन चार मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तीन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो आई थिंक वी कैन किल देम ऑल, नो प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि मुझे इनको ऐसे उठा लेना चाहिए पहले, ठीक है। और ओके, एंट भी है वहाँ पे। ओके भाई साहब, 28 डैमेज कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो ये तो गया, ये तो गया। यार प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे चीटियाँ भी हैं, ठीक है, तो मुझे डबल डबल लड़ाई करनी पड़ रही है। यस, तो अगर मैं चीटियों को ल्यूर कर पाऊँ इधर की तरफ तो काफ़ी सही रहेगा। आई गेस आई कैन डू इट। आई थिंक मैं बैठ के ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाऊँगा यहाँ पे। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। ओके नाइस नाइस, आओ आओ, आ जाओ, सब आ जाओ भाई। भाई साहब, तुम लोग एक एक को देख लूँगा मैं। आ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ओ भाई साहब, ही इज़ लाइक अटैकिंग लाइक हेल ब्रो, व्हाट द हेल। लास्ट वाला मतलब नॉक कर दिया था मेरे को, नॉकआउट कर दिया था पीछे, लेकिन आई किल्ड हिम। और शायद ये एरिया क्लियर हो चुका है प्रॉपर। नाइस। ओके, तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ से लेज़र निकल रही है आई थिंक। कितना कूल लग रहा है ना ये। ठीक है, उतर के देख लेते हैं। और मेरे पास गन है वैसे भी, तो कुछ भी आएगा तो मैं उसको अपने गन से उड़ा दूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ लिखा हुआ है रेड ऑब्लिस्क ई टू एक्सेस। ओके, एक्सेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ है, ये क्या चीज़ है? जनरेट ड्रैगन, ओ माई गॉड, गामा पोर्टल, जनरेट ड्रैगन, बीटा पोर्टल, जनरेट अल्फा पोर्टल, ओ माई गॉड। ओके 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 ओके, इसको जनरेट करने कुछ चाहिए हमको। ये क्या है? आर्टिफैक्ट ऑफ कनिंग, आर्टिफैक्ट ऑफ इम्यून, आर्टिफैक्ट ऑफ स्काई लॉर्ड, आर्टिफैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ओके, आई डोंट नो व्हाट आर दे। ओ भाई, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, ये 55 70। ओके, मतलब ये लेवल के हिसाब से है क्या? ओके, यूज दिस टू जनरेट अ पोर्टल टू द ड्रैगन। ओके, तो मतलब क्या, मतलब ड्रैगन को हम वहाँ पे जाके हमको उसे मारना है, या फिर उसको टेम करना है? आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी कूल है। लेकिन ये सब हमको मिलेगा कहाँ से? आई डोंट नो। तो तुम लोगों को अगर पता है कि ये सब कहाँ से मिलता है, मतलब जो भी ये ट्रॉफी बता रहा था, या फिर क्या बता रहा था, रैलिक बता रहा था जो भी, ठीक है, तो वो मेरे को बताना कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, इसमें मैप में।
क्योंकि मुझे पता है कि इसमें केव्स होते हैं, शायद उसके अंदर मिलता है, लेकिन कहाँ होते हैं वो केव्स ये मेरे को नहीं पता अभी तक। वो भाई सब क्या डिज़ाइन बना रखा है आप, पत्थरों के अंदर भाई टेक्नोलॉजीज लगा रखी हैं उन्होंने, काफ़ी कूल लग रहा है भाई ये एरिया। ओके यहाँ एक स्टेगोसोरस है और एक कछुआ भी है यहाँ पे। ओके तो कोई खास चीज़ें नहीं है, और यहाँ पे शायद वो लोग मर चुके हैं ड्राउन होके। ओए ओए तो वो वाला बंदर है ना जो लास्ट टाइम को मिला था, इसको उठा लें क्या? आई थिंक मुझे इसको उठा लेना चाहिए। ठीक है ओके, मैंने इसको उठा लिया। वैसे मैं इसको बीक में उठा सकता था अपनी, पर नो प्रॉब्लम, ठीक है मैंने इसको उठा लिया। चलते हैं इसको टेम करेंगे आज, ठीक है देखते हैं कि ये मतलब कितना सही होता है, क्योंकि ये शोल्डर पेट है। ठीक है तो जैसे कि ये मेरा पेलोगोनिस है ना जो कि शोल्डर पे मेरे बैठा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा ही होता है। ओके दोस्तों तो हम आ चुके हैं अपने बेस पे, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसको इसके अंदर ही गिरा दिया जाए, क्योंकि ये भाग नहीं पाएगा यहाँ से। और शायद मैंने गेट भी मतलब बंद नहीं किया है, तो इस गेट को बंद करना पड़ेगा मेरे को। आई थिंक कि मैं बाहर से जाके बाहर इसको उतार देता हूँ, बाहर से बंद कर दूंगा इसको, तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो यहाँ से मैंने कुछ मेजो बेरी ले ली हैं जो कि काफ़ी सही होती हैं टेमिंग के लिए, और मैं यहाँ पे इसको गन को यहाँ लगा देता हूँ। और मेरे पास खाना भी ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे मैंने खाना रखा हुआ कुछ, इसको ले लेते हैं, काफ़ी सारा खाना है मेरे पास, तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं एंड अपनी गन को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यस वी आर रेडी टू एंड लेट्स गो एंड टेम हिम। आई वॉन्ट टू सी कि ये क्या मतलब। ओके 36 लेवल का है, फीमेल है वो भी, इसका नाम है अबे रुक जा यार, कितना दौड़ती है भाई, छोटी सी है भाई, कितना दौड़ती है। मैसो मैसो अबे रुक जा भाई, नाम ही तो देख रहा हूँ मैं, अबे मतलब बंदर ही है यार एक नंबर की। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है, ठीक है इसको टेम करने का, कहीं भाग भी नहीं पाएगी। ठीक है इसको मैं खिला सकता हूँ आराम से। ओके मुझे नहीं खाना है, इसको खिलाना है मेरे को। तो आई गेस मैं नीचे बैठ जाता हूँ, फिर इसके बाद इसको खिलाता हूँ। ओके लास्ट वाले अपने इन्वेंट्री में रखना होता है, इन्वेंट्री के स्लॉट में। ओके तो अगर ये बस एक बार, ओके यहाँ पे ओए रुक जा भाई साहब, बहुत तंग करती है यार ये सब। ओके तो आई गेस इसका दौड़ना भागना जो है रुक चुका है, और नहीं अभी भी नहीं रुका। ओके दौड़ ले भाग ले, जो करना है कर, जो करना है कर भाई, मैं कुछ बोलने वाला ही नहीं हूँ भाई साहब, मतलब हद है यार। मैं इसको खिलाना चाहता हूँ, ये खाना नहीं चाहती है, भागते जा रही है भागते जा रही है भागते जा रही है, कहाँ भागेगी भाई कहाँ भागेगी। व्हाट द स्टूपिड एनिमल मैन, व्हाट द स्टूपिड एनिमल इट इज। भाई साहब दिमाग खराब हो ना, गोली मार दूंगा सीधे इसको मैं, मतलब हद है यार, भागे जा रही भागे जा रही भागे जा रही है, खिलाना चाहता है बंदा इसको, टेम करना चाहता है। ओके ये इसने बहुत सारे अंडे दे दिए, इसको उठा लेते हैं आई गेस। मैं ऐप से सब उठा सकता हूँ एक बार में। ओके तो वहाँ एक ब्लू ड्रॉप गिर रखा है, तो चल के उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और जल्दी से उसको देखे फिर इसके बाद। हाँ मुझे जो डॉल्फिन थी उसको इच्ची कुछ बोलते हैं, उसका इच्ची नाम होता है कुछ, तो वो पकड़ना था मेरे को। ठीक है तो उसको चल के देखते हैं कि कैसे हम उसको टेम कर सकते हैं। और तो इस एपिसोड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि यस अगर मेरे पास आसपास एक ब्रोंटो भी होता ना तो उसको पकड़ लेते, लेकिन ब्रोंटो बहुत दूर हैं तो उनको लाने में भी मतलब दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ओके ये क्या है, ब्लूप्रिंट कंपास एंड रिफाइनिंग फॉर्ज। ओके आई थिंक अपने पास दोनों है, तो वी डोंट नीड इट। ओके वी डोंट केयर ओके अबाउट देम। बहुत ज़्यादा धुंध है यार, और पानी में लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा भाई, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो ये जब धुंध साफ़ हो जाती है तब हम आते हैं, और तब तक मैं उस बंदर को ट्राई करता हूँ, आई गेस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट है और मज़ा आएगा। और अगर वो मेरे बैक पे बैठेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसकी तरह नहीं, ये तो अजीब सा लगता है भाई, देख रहे हो कैसे मुड़ी सी मुंह है इसकी, अजीब है भाई ये बंदा। ओके मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैजोबेरी खिलाई। ओह माय गॉड व्हाट द हेल इट इज मैन, व्हाट द हेल इट इज। ओके तो मुझे समझ में आ गया, इसके पीछे से जाना है मेरे को आराम से, ठीक है इसको डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी, कि इट इज़ अ फ्रेजाइल
काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है, तो एटलीस्ट मैंने इसको एक मेजबानी तो खिलाई, तो इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को दिखाई देता रहेगा इसकी, देखो देख रहे हो 32% टेम हो चुका है ये, और बहुत तेज़ी से इसका जो फूड बार है वो नीचे जा रहा है, तो यस इसका फूड बार जो है मुझे देखते रहना पड़ेगा। तो चल के जल्दी से देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे डॉल्फिन है या फिर भाग चुकी हैं यहाँ से, क्योंकि जब मुझे टेम करना होता है किसी चीज़ को तो वो मिलती नहीं है। ओके, एक डॉल्फिन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो लेट्स गो एंड सी इट। तो देखते हैं कि ये क्या खाती है पहले, उस पर उससे पहले इसका लेवल चेक कर लेते हैं, क्योंकि तो लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ये रही, ओके ये है इच्ची इच्ची थाई सोरस लेवल 8। नॉट क्वाइट गुड, नॉट क्वाइट गुड, आई नीड समथिंग बेटर। ओके आई नीड समथिंग बेटर देन इट, एंड आई गेस कि हमें मिल सकती है। ओके यहाँ पे भी एक है, नाइस। आई गेस कि आज हम डॉल्फिन, मतलब आर्क भी हमको बोल रहा है कि आज डॉल्फिन टेम करो तुम, तो आई गेस हमें बात सुननी चाहिए। यस और ये कहाँ गई कहाँ। ओके ये रही, ओके लेवल 28 फीमेल, ना नॉट दैट स्पेशल, नॉट दैट स्पेशल। ओके ओके एक बार ट्राई करके देखते हैं, मतलब कि क्या क्या चाहिए होता है इसको, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भाई तेरे को, क्या चाहिए बता। ये तो मुझे पता है कि ओके पुट टेमिंग फूड इन लास्ट स्लॉट। ओके टेमिंग फूड क्या, मछली खाएगा, मछली खाएगा, मछली खाएगा, ये ले मछली। ओ भाई साहब सारी सारी एक साथ आ गई भाई मेरे पीछे। ओके शायद मछली खाती है ये। ओके ओके कहाँ चली गई यार, आओ 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 आओ। ओह ये कितनी प्यारी है, अरे आजा, अरे उतनी दूर क्यों है। हाँ ठीक है ये सही है। अरे मैं टेम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है इसको अंदर रखूँ क्या मैं। यस 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 इसको अंदर रखूँगा तब आएंगी ये। अबे भाई साहब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है मेरे को। ओके अपरेंटली यहाँ पे एक फंसी हुई है, या फिर ये भी मर गई है। अरे अरे ओके आई गेस कि इसको हम दे सकें, खिला सकें। ओके मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको खिलाया, ठीक है। ओके तो ये यहाँ पे है, चल के इसको कुछ खिला देते हैं, और आई गेस कि ओके ये भाग गई है, आई डोंट नो। अभी तो मेरे आसपास ऐसी मंडरा रही थी ये सब, अब भाग क्यों रही है ये। ओह मैन शी इज क्वाइट फास्ट। शी इज क्वाइट फास्ट। ओके मैं इसको खिला सकता हूँ क्या अभी। हाँ आई थिंक हाँ मैंने खिला दिया इसको। ओके वेट अनटिल इट इज़ हंग्री। ओके ठीक है, तो जब ये हंग्री होगी तब इसको खिलाएंगे। ओके तो क्या इसको अभी भी भूख लगी है भाई साहब, ये भाग क्यों रही है इतना। ओके शायद आ रही है मेरे पास। ओके तो मुझे एक जगह रुकना होगा क्या, तभी आएगी खुद ही आई गेस। ओके तो आई थिंक मुझे इसको खिला देना चाहिए। अरे खा ले, अबे मैं डूब रहा हूँ, खा ले। इसने शायद नहीं खाया, भूख नहीं लगी शायद इसको, कोई बात नहीं है। तो गाइस मैंने एक बार और इसको खिला दिया वापस से, और थोड़ी देर बाद और मिलते हैं, और लास्ट टाइम इसको खिलाएंगे और ये टेम हो जाएगी, तो वी विल चेक हर। तब तक मैं इसका सैडल बना लेता हूँ। यस और हाँ मेरे को ये वाली बंदर भी देखनी थी कि टेम हुई कि नहीं, आई गेस हो जानी चाहिए अब तो। ओके ये गई कहाँ, व्हाट द हेल, वेयर डिड शी गो, नो अबे यार ये मर गई।
व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस एपिसोड? आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. ओके, शी इज डेड और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं. आई गेस कि एक और मुझे जाकर ढूंढनी पड़ेगी एंड वी विल सी हाउ टू टेम हर. ओके, आई गेस शी इज नाउ. ओके, डॉली, इसका नाम डॉली दे देते हैं बिकॉज शी इज डॉली द डॉल्फिन. तो आखिरकार भाई एक चीज़ तो टेम हुई आज के एपिसोड में. मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा आज के एपिसोड में. तो शी इज़ नॉट क्वाइट गुड लेवल बट शी इज़ वॉट शी इज़. फॉलो कर मेरे को, आ जा इधर. वॉट लेवल इट इज? ओके, ओ टकरा मत मेरे से यार. ओके, स्टॉप ऑल. और ये ट्रैकर हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना? ओके, शी इज़ क्वाइट अगली, शी इज़ क्वाइट अगली लुकिंग. ओके, बट शी इज़ लेवल 41, आई गेस मीडियम लेवल. ओके, तो मैं इसका एक सैडल बना लेता हूँ जल्दी से. ओके, तो ये रहा इसका सैडल लेवल 13 पे, जो कि खुल जाता है. और इसके लिए बहुत मुझे माइन्यूट चीज़ें चाहिए, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें चाहिए. तो इसको मैं जल्दी से बना के मिलता हूँ. ओके, तो गाइज इसका सैडल बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें जुटा ली हैं, तो इसका सैडल जल्दी से बना लेता हूँ. इसका नाम है इच्ची. ओके, ये वाला सैडल है, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से और इसके बाद इसको पहनाते हैं. यस, ओके, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है. ये इसका हेल्थ ज़्यादा नहीं है तो इसकी हेल्थ बढ़ा लेते हैं. ओके, नाउ दैट्स राइट. ओके, आई थिंक इट इज़ क्वाइट फास्टर देन आवर सार्को और इट इज़ नॉट. या इट इज़ फास्टर देन आवर सार्को. ओ भाई साहब, नीचे काफ़ी गहरा है यार ये तो. और ये सब क्या चीज़ होती है यार? ये कोई मेरे को बताओ, ये क्या चीज़ है? ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट फास्टर. ओके, मैं इससे नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मुझे पता है ये नहीं हरा पाएगी एक शार्क को. तो ओके, ये अटैक है इसका बेसिक सा. ओके, सी से कुछ नहीं करती क्या? आई थिंक नो, शी से कुछ नहीं करती है. ओके गाइस, तो आई थिंक वी फाइनली हैव एन डॉल्फिन. ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है. तो यार इस एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं. तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो. कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मैं क्या और कर सकता हूँ. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बड़ी व्यास आउट.